लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। एमएलसी के लिए दारा सिंह चौहान ने किया नामांकन। विधानसभा पहुंचकर दारा सिंह चौहान ने भरा नामांकन। सीएम योगी की मौजूदगी में दारा सिंह ने नामांकन किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह रहे मौजूद। एमएलसी के लिए दारा सिंह चौहान ने किया नामांकन। मंत्री जेपीएस राठौर भी दारा सिंह के साथ इस मौके पर रहे मौजूद। विधानसभा पहुंचकर दारा सिंह चौहान ने भरा नामांकन। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। तो सभी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया है दारा सिंह चौहान ने। मंत्री जेपीएस राठौर भी दारा सिंह के साथ रहे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, एमएलसी के चुनाव को लेकर दारा सिंह चौहान ने भरा नामांकन। एमएलसी के लिए दारा सिंह चौहान ने किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी रहे मौजूद। विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। मंत्री जेपीएस राठौर दारा सिंह के साथ। तो एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तमाम बड़े नेता उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहे। एमएलसी नेताओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद एमएलसी को लेकर यह नामांकन भरा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज इस मौके पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जो शुभम, जिस तरह से आज एमएलसी के लिए दारा सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद रहे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, आज आपको बता दें कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने एमएलसी सीट का प्रत्याशी बनाया हुआ था और प्रत्याशी बनने के बाद उनका जो है भव्य स्वागत आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ। वहां पर भूपेंद्र चौधरी से लेकर के डिप्टी सीएम, कई लोग मौजूद रहे, गणमान्य जितने भी उनके मंत्री थे वो सभी जो है वहाँ पर मौजूद रहे। उनका भव्य स्वागत किया गया, उनकी जो वापसी है उसको लेकर के लोगों ने उनका जो है भव्य स्वागत किया और नामांकन से पहले उनका जोरदार जो स्वागत है वो देखने को मिला और सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहे। उसी के साथ जो बैठक चल रही थी, बैठक के बाद तुरंत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके नामांकन पर पहुंचे। विधानसभा में उनका नामांकन हुआ। नामांकन के दौरान जो है डिप्टी सीएम से लेकर के भूपेंद्र चौधरी, अन्य जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो सभी जो है मौजूद रहे। कार्यकर्ता की जो भी मंत्री थे, जो भी लोग थे, सब लोग मौजूद रहे। कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान की आज जो है प्रत्याशी का जो नामांकन था, एमएलसी प्रत्याशी का, वो उन्होंने नामांकन भरा हुआ है। नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मौजूदगी है वो देखी गई है। दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही जो है वो भी मौजूद रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज नामांकन हुआ है और इसको लेकर के जो बीजेपी के लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है, और बीजेपी में दारा सिंह की जो वापसी हुई है उसको लेकर के जो है वो लगाए जा रहे हैं कि अब जो 24 की जो 24 का चुनाव होगा उसको लेकर के जो पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान की जो मौजूदगी है वो अहम मानी जाती है और लगातार बीजेपी जो है उन पर दांव खेलती रहती है। चाहे वो घोसी विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात हुई हो, चाहे वो अब एमएलसी सीट का प्रत्याशी बनाने की बात हुई हो, आज उनका नामांकन हुआ उसको लेकर के कहा जा सकता है कि अब जब उनका नामांकन हो गया है, अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसको लेकर के
भी कयास हैं कि शायद जो है इनको मंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो भी दी जा सकती है। और कहा जा सकता है कि जो मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है और लोकसभा चुनाव से पहले ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है पूर्वांचल की जो सीटें होंगी उन पर खासा असर जो है इनकी तरफ से पड़ेगा। और दारा सिंह की जो मौजूदगी है वो अक्सर देखी जाती है, और सपा के खेमे में जब ये गए हुए थे तब भी इनकी जो मौजूदगी थी उसका असर थोड़ा बहुत देखा गया था। लेकिन अब जब बीजेपी में फिर वापसी हुई उसके बाद जो इनकी मौजूदगी है उसको लेकर के कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो इनकी मौजूदगी है उसको लेकर के जो चुनाव होगा, चुनाव को जो सीटें होंगी, अहम सीटें होंगी, उन पर जो है इनकी जो मौजूदगी है वो खासा असर जो है डालने का काम करेगी। जी बिल्कुल। तो एमएनसी के लिए जिस तरह से नामांकन के समय सभी बड़े नेता मौजूद रहे, हालांकि घोसी विधानसभा के चुनाव में हार दारा सिंह चौहान को मिली थी, ऐसे में क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र और क्योंकि अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं उसकी वजह से एमएनसी के लिए आगे किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको लगातार कहा जाता है जिस तरीके से बीजेपी जो है जो भी ऐसे लोग हैं कि जो अपनी सीटों पर पकड़ रखते हैं, पूर्वांचल की अगर बात कर लेते हैं कि पूर्वांचल की सीटों पर दारा सिंह की जो एंट्री है वो बहुत अहम मानी जाती है, उनकी जो मौजूदगी है उसको लेकर के लोग अक्सर जो है उनको साधने की कोशिश करते हैं। इसी कयास के चलिए जो है वो जब सपा के खेमे में गए थे, सपा के खेमे में जाने के बाद वो फिर जो है अब घोसी विधानसभा में चुनाव हारते हैं, उसके बावजूद जो है बीजेपी उनको MLC सीट का प्रत्याशी आती है, आज नामांकन होता है, तो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उनकी हार के बावजूद भी लगातार जो बीजेपी है वो दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अक्सर जो है गणित का जो इस्तेमाल है, जो गणना है वो करके लोगों पर हमेशा जो दांव है वो खेलती है, और ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि जो 24 का चुनाव होगा, 24 के चुनाव में अहम भूमिका जो है निभाने की जिम्मेदारी है वो दारा सिंह को मिल सकती है। पूर्वांचल की धरती पर इनको जो है अलग से जो सीटें हैं, सीटों में कुछ बढ़त का जो है वो भी देखा जाएगा। जो इनका वोट बैंक है, वोट बैंक साधने की जो बात कही जाती है उसमें भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी जो है वो देखी जाती है जी। और अब देखना ये होगा कि जब इनको MLC बनाया जाता है उसके बाद जो मंत्रिमंडल की विस्तार की जो चर्चाएँ चल रही हैं उसको लेकर के इनको जब मंत्री बनाया जाता है उसके बाद किस तरीके का असर जो है पड़ता है, आखिरकार जब मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है उसको लेकर के किस तरीके से ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए किस तरीके का जो काम है वो करते हैं और किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जनता के बीच पहुंचाते हैं, जनता के सामने लेके जाते हैं जी। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।